चलिए एडजस्टमेंट नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है हमारा? एडजस्टमेंट नंबर 4, और ये है डिविडेंड के ऊपर। सर डिविडेंड समझाओ क्या होता है, पूरा समझेंगे अच्छे से। डिविडेंड दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, और एक होता है हमारा प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड या रिकमेंडेशन। देखिए पुराने टाइम पे इनका एडजस्टमेंट कुछ और हुआ करता था, अब के टाइम पे कुछ और होगा। हालांकि 10 ईयर के अंदर मैंने सारा करेक्शन कर दिया है कि उसी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है 10 ईयर अब तो पूरा आपका। लेकिन कोई पुरानी बुक पढ़ रहा हो बच्चा, चाहे आपका यूट्यूब पे कुछ बच्चे क्लासेस देख लेते हैं, तो अगर कोई पढ़ रहा हो स्टूडेंट तो वहाँ पर ट्रीटमेंट कुछ और होता है। तो सबसे पहले हम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, होता क्या है डिविडेंड, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इसका सेल्स जो है वो मान लेते हैं 5 लाख का है, और परचेज मान लिया और सारे खर्चे 4 लाख रुपए का, तो टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख। सबसे पहले इसमें से ये टैक्स को माइनस कर देता है, मान लेते हैं 50% है तो 50,000 माइनस कर देगा तो बचा कितने का? ये 50,000 बांट देता है एज अ डिविडेंड। एज अ क्या बांटता है? डिविडेंड बांट देता है। किस में बांट देता है? डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर के बीच में। जितने भी नंबर ऑफ शेयर है, मान लेते हैं 10,000 शेयर है, तो इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा पर शेयर डिविडेंड कितना रहेगा, जिसे हम EPS के नाम से भी जानते हैं। एक आपका EPS क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। तो सर यहाँ पर तो हमें डिविडेंड समझना है। अब ध्यान देना, डिविडेंड जो दिया जाता है ना, वो दिया जाता है जनरल मीटिंग में। हुआ क्या, एक तो मैंने ये सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताई। मैं बैलेंस शीट काम जो मैं कर रहा हूँ 1/4/2019, और ये ईयर एंड हो जाएगा हमारा 31/3/2020, ठीक है, ईयर एंड हो जाएगा। आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, हमने लास्ट क्लास में भी समझा है थोड़ा बहुत, तो कि जो यहाँ से यहाँ तक हमारा सारा है, यहाँ से यहाँ तक, क्या हमने जो इसका बैलेंस शीट है वो इस डेट पे बनाना मुमकिन, पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा चाहिए होगा वक्त, ठीक है, जो कि 30 सितंबर तक का मैंने बोला है कि वक्त लेना पड़ता है। जो भी थोड़ा हमें टाइम चाहिए, इस टाइम में हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इस टाइम में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसी टाइम में मुझे जो, अगर मैं पूछूं आपसे कि कंपनी का मालिक कौन होता है, तो शेयर होल्डर होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। लेकिन कंपनी का संचालक, कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है। इस डेट पे हम क्या करते हैं, सारे शेयर होल्डर को बुला लेते हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं ना किसी भी डेट पे, मतलब जैसे बैलेंस शीट तैयार होता है, बैलेंस शीट तैयार होने के बाद बैलेंस शीट की सारी जानकारी देने के लिए हम शेयर होल्डर को बुला लेते हैं। शेयर होल्डर सारे आ जाते हैं, आने के बाद जैसे शेयर होल्डर आएगा तो उस तरीके की मीटिंग को हम दो मीटिंग कहते हैं, या तो एनुअल जनरल मीटिंग कहेंगे AGM। जो बच्चे ऑनर्स में हैं उनका तो मान लो एक क्वेश्चन AGM पे आएगा कंपनी लॉ में, और या फिर इसे बोलते हैं EGM, या सिर्फ जनरल मीटिंग भी कह देते हैं। तो जब कभी भी हम शेयर होल्डर को बुला लेते हैं ना किसी बात पर चर्चा करने के लिए, उसे बोला जाता है जनरल मीटिंग। और मैंने सभी शेयर होल्डर को बुला लिया चर्चा करने के लिए। क्या चर्चा करने के लिए? कि अब जैसे ही आप सभी आओगे तो इसके लिए, अब वर्चुअल भी होने लग गया है, लेकिन कहीं ऑडिटोरियम बुक करके बुलाते हैं और आप सभी को बैलेंस शीट दे दिया जाता है शेयर होल्डर को। आप सभी के हाथ में बैलेंस शीट आ गया समझो। इसके बाद इसी मीटिंग का एक चेयरपर्सन होगा, स्पोक पर्सन होगा, जो कि बोलेगा कि जितने भी हमारे शेयर होल्डर हैं सभी के हाथ में बैलेंस शीट चला गया है, इस बार हमने कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है। तो जब इस डेट पे कह रहा है कि इस बार मुनाफा कमाया है, तो कौन से तारीख वाले प्रॉफिट की बात कर रहा होगा? पिछले साल वाले की। तो इस डेट पे खड़े होकर कह रहा है कि मैंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है और इस बार हमने सोचा है कि आपको डिविडेंड दिया जाए,
और आप सभी को डिविडेंड देने की हम सोच रहे हैं कि 10 रुपये एक शेयर पे हम आपको डिविडेंड देंगे, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको 10 रुपये डिविडेंड दिया जाएगा। अब शेयर होल्डर बोले नहीं भाई 10 रुपये डिविडेंड मत दो, 10 रुपये से कम दो कंपनी पे लगाओ, तो हमें शेयर होल्डर की बात माननी पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही मैंने बोला मैं एक चेयर पर्सन हूँ, मैं स्पोक पर्सन हूँ, अगर मीटिंग में बोला कि 10 रुपये आपको डिविडेंड दिए जाएंगे तो ये है प्रपोज डिविडेंड, मैंने प्रपोज किया है, अभी रिकमेंडेशन किया है। शेयर होल्डर ने जैसे बोला कि आप दे दो डिविडेंड 10 रुपये दे दो, तो ये हो गया डिक्लेयर डिविडेंड, ये क्या हो गया डिक्लेयर डिविडेंड। तो डिविडेंड दो तरीके के समझ में आया, एक होता है परपोज डिविडेंड, एक होता है डिक्लेयर। आप मुझे बताना क्या परपोज डिविडेंड हमेशा डिक्लेयर डिविडेंड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। शेयर होल्डर 51% मना कर दे, ऐसा ओआर पास ही नहीं हुआ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो फिर क्या करेंगे? अरे यार मैंने 10 रुपये बोला था तुमने नहीं लिया, तो वो परपोज डिविडेंड किसी काम का नहीं रहेगा। तो यानी सिंपल सी बात है, परपोज डिविडेंड की कोई औकात नहीं है। सिंपल वे में बात करें तो प्रपोज डिविडेंड की कोई इतनी बड़ी औकात नहीं है, वो हमारा चेंजर चेंज नहीं कर सकता सारे डिसीजन। लेकिन डिक्लेयर डिविडेंड क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सर प्रपोज डिविडेंड की बात करें और डिक्लेयर डिविडेंड, तो मैंने ऐसे बोला ना एक प्रपोज डिविडेंड और डिक्लेयर, तो सबसे पहले समझ में आया प्रपोज डिविडेंड क्या होगा, डिक्लेयर डिविडेंड क्या होगा और रिकमेंडेशन डिविडेंड क्या होगा। रिकमेंडेशन डिविडेंड वही डिविडेंड है जो कि हमने प्रपोज किया है। सर अब आपको एग्जामिनर हमेशा परपोज डिविडेंड देगा, तो सबसे पहले बताओ परपोज डिविडेंड मैंने सोचा कि मैं दूंगा, क्या हमारे लिए लाइबिलिटी है? ये नहीं है, क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो पहले क्या था, पहले लॉ ये कहता था कि मान लो लाइबिलिटी है, डायरेक्टर ने परपोज कर दिया तो शेयर होल्डर मान ही जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन और इन्वेस्टर को एजुकेट किया गया, तो उसी के हिसाब से अब जो इन्वेस्टर है वो क्या करने लग गया कि अपना डिसीजन खुद लेने लग गया। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंदर एक अमेंडमेंट आया, क्योंकि आज के बाद परपोज डिविडेंड को हम वो डिविडेंड मानेंगे जो वो डिविडेंड पेमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसे हम ना तो लाइबिलिटी मानने वाले हैं, ना ही एसेट्स मानने वाले हैं, ना ही इनकम ना ही एक्सपेंस, इसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मानेंगे। इसे कौन सी लाइबिलिटी मानेंगे? हाँ, लेकिन अगर मैंने अभी प्रपोज किया है इस साल में, तो प्रपोज कौन सा डिविडेंड किया है मैंने? पिछले साल का, यानी पिछले साल की इनकम का प्रपोज डिविडेंड। तो मैं बोलूं यहां पे मैंने 5 लाख रुपए डिविडेंड क्या कर दिया, प्रपोज कर दिया है, तो आप मुझे जवाब दीजिए 5 लाख रुपए जो डिविडेंड प्रपोज हुआ है वो करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का है? प्रीवियस ईयर का हो जाएगा ना। सेम अब इस साल का जो डिविडेंड है वो कहीं ना कहीं जाके आगे जो पूरा साल कंप्लीट होगा वहां पे कंप्लीट होके जाएगा। तो इसका मतलब डिविडेंड जब भी प्रपोज्ड होता है वो पुराने वाले साल का प्रपोज होता है, उसका पेमेंट होता है। मान लो एक पल के लिए प्रपोज डिविडेंड को शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, डिक्लेयर हो गया, तो पेमेंट वही होने वाला है। तो हमारे पास 2 साल का अगर डिविडेंड देना, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का, तो कौन सा डिविडेंड पेड होगा, करंट ईयर वाला पेड होगा या प्रीवियस ईयर वाला? हमेशा प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड पेड होगा। तो आपको 2 डिविडेंड दिया जाएगा, और कहां दिया जाएगा? हमेशा एडजस्टमेंट में दिया जाएगा, बैलेंस शीट में नहीं दिया जाएगा। पुराने क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर भी हो सकता था। तो सर परपोज डिविडेंड के अंदर अगर 2 डिविडेंड हो तो हमेशा प्रीवियस ईयर वाले का ट्रीटमेंट करेंगे क्या, करंट ईयर वाले का कोई नहीं होगा? बिल्कुल सही, सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले का ट्रीटमेंट होगा, करंट ईयर वाले का कोई नहीं होगा। तो सर एक ये एंट्रिम डिविडेंड क्या है, एंट्रिम डिविडेंड भी समझ लेते हैं। ये हमारा पूरा साल है, ठीक है, मैंने प्रपोज अभी समझा, अब एंट्रिम पे आते हैं। ये हमारा क्या है, पूरा साल। अब देखिए पूरा साल है, और कंपनी ना जैसे कॉन्ट्रैक्टर की मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट ठेका ना पहले ही मिल जाता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अंदाजा हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ मैं, एक जो वैक्सीन जिसने बनाया था पुणे वाला, सुना होगा आपने, सीरम इंस्टीट्यूट जो है हमारा, ठीक है ना। तो जैसे ही कोविड आया था, वैक्सीनेशन जैसे उसने किया था, तो उसे पहले ही अंदाजा हो गया था गवर्नमेंट से मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है जिसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल होगी, पहले पता चल गया। तो उसको ये भी पहले अंदाजा हो गया कि इस बार तो मुनाफा दबा के होने वाली है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सब कुछ पहले पता चल गया। तो ऐसे सिचुएशन में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं कि शेयर होल्डर को बुलाओ, जल्दी से खुशखबरी देनी है कि इस बार कंपनी 31 मार्च के बाद बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगी, तो आप 31 मार्च का इंतजार मत करो, मैंने आपको बुला लिया, सपोज करते हैं कि 1 जुलाई को बुला लिया मैंने साल के बीच में, और आज मैंने बोल दिया आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, और साल के एंड में जब हम प्रॉफिट निकालेंगे ना तो जितना और बच जाएगा वो भी दे देंगे हम।
सपोज करो इस दिन बुला के मैंने बोला 5 रुपये एक शेयर पे डिविडेंड दिया जाएगा, और 31 मार्च को टोटल निकाला तो 15 रुपये बन रहे थे, तो 5 दे दिए, तो 31 मार्च के बाद वाले में कितना दे देंगे हम, 10 दे देंगे। समझ में आए? तो जो साल के बीच के अंदर डिविडेंड को देना दिया जाता है उसे कौन सा डिविडेंड कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड कहा जाएगा। फिर से देखिए, दो तरीके के डिविडेंड हो गए, एक हो गया प्रपोज डिविडेंड, एक हो गया इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कौन सा है सर? प्रपोज डिविडेंड वो है जबकि हम बैलेंस शीट बनने के बाद शेयर होल्डर से बातचीत करते हैं। प्रपोज डिविडेंड में प्रीवियस ईयर का पेमेंट हो जाता है, करंट ईयर का पेड हो ही नहीं सकता, वो अगले साल शिफ्ट हो जाता है। इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है? वो जो उसी साल ही बुला के दे दिए मैंने, तो इंटरिम डिविडेंड उसी साल ही अनाउंस भी होता है और उसी साल ही पेड भी हो जाता है ना, यही बात हुई ना यहाँ पे। तो सर इसका हम कैश फ्लो में क्या एडजस्टमेंट करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, इंटरिम डिविडेंड तो उसी साल होता है और इसी साल फ्लो भी होना है। अगर इंटरिम डिविडेंड है तो इंटरिम डिविडेंड के केस में एक तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट में, कहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। फॉर्मेट जब लिखवाया है मैंने तो आपने देखा होगा वहां डिविडेंड भी लिखा है, और यहां पे एक लेस हो जाएगा। सर कहां से लेस होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से लेस हो जाएगा, सेम अमाउंट, कोई अमाउंट डिफर नहीं होगा, सेम अमाउंट। सर अगर परपोज डिविडेंड हो तो परपोज डिविडेंड आपको गिवन हो सकता है, आपको मे बी गिवन हो सकता है। कौन कौन सा गिवन हो सकता है आपको? एक गिवन हो सकता है प्रीवियस ईयर का, और एक गिवन हो सकता है हमें करंट ईयर का, CY, करंट ईयर का। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें और करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट। आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है कि करंट ईयर में कितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, क्योंकि ये पेमेंट होगा ही नहीं। कितना डिविडेंड हमने कहा है, ये पेमेंट होगा ही नहीं। और जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, ये डिविडेंड हमारा पेड होगा हमेशा, तो इसको दो जगह ले जाएंगे हम जब डिविडेंड पेड हो जाता है, तो एक चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट के अंदर, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा, लेस हो जाएगा हमारा। समझ में आई बात आपको? बताइए कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है सारा? ये एक डिविडेंड होता है अनक्लेम डिविडेंड, एक होता है अनक्लेम डिविडेंड डिविडेंड। सर अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है? कई बार मान के चलो शेयर है, शेयर बहुत लोगों ने खरीदा है, तो कई बार उनके घर वालों को पता भी नहीं होता कि इसने शेयर खरीद रखा है। पुराने टाइम पे जो शेयर्स होते थे ना, वो होते थे हमारे एक फॉर्म में होता था, कागज के रूप में होता था। अब तो शेयर डिमेटरलाइज हो चुका है, सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ चुका है। पहले अब बैंक अकाउंट से सारा लिंक है, तो पहले पुराने जिन्होंने शेयर खरीदे होंगे रिलायंस के, मान लेते हैं उसकी वो इंडिया छोड़ के चले गया या उसकी डेथ हो गई, तो कंपनी ना ढूंढने की कोशिश करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, सबको देती है, तो उसके एड्रेस पे जाती है तो पता चलता है ये खाली करके चले गया। तो यार ऐसे डिविडेंड जो शेयर होल्डर को हमने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में ये डिविडेंड हो जाता है अनक्लेम, मतलब शेयर होल्डर ने डिविडेंड लिया ही नहीं। तो कंपनी अपने ऊपर ना ये लाइबिलिटी मान के रखती है कि क्या पता कल कहीं से आ जाए वो और उसको डिविडेंड देना पड़े। तो ये जो होता है अनक्लेम डिविडेंड, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है करंट लाइबिलिटी। और सर करंट लाइबिलिटी अगर आपने मान लिया तो आपको याद होगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वहीं पर ट्रीटमेंट होगा। इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ट्रीटमेंट होगा, डिक्रीज और इंक्रीज के हिसाब से। इसके अंदर 7 सालों तक हम डिविडेंड को क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं 7 सालों तक, और 7 साल के बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनता है हमारा, वहाँ पे इसको दे दिया जाता है सेबी के पास, जिससे कि हम इन्वेस्टर को एजुकेट करने के काम आता है। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। डिविडेंड के कितने टाइप हो गए हमारे? डिविडेंड को हो गए हमारे 3 टाइप। एक बार इसको नोट करिए आप फटाफट, क्योंकि इससे ज़्यादा है नहीं, एक अगला एडजस्टमेंट स्टार्ट। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, डिविडेंड जो है हमारा वो कितने तरीके का, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड अगर गिवन हो क्वेश्चन में, चाहे एडजस्टमेंट में गिवन हो, चाहे आपका P&L में गिवन हो, तो आपका एक ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा और एक लेस हो जाएगा फाइनेंसिंग में। अनक्लेम डिविडेंड गिवन होगा तो हमेशा कहाँ मिलेगा? ये लाइबिलिटी में देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जाएगा कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज डिपेंड करता है उसके हिसाब से एडलेस होगा। अगला है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड की बात करें, ये गिवन हो सकता है हमें प्रीवियस ईयर का डेटा और करंट ईयर का। करंट ईयर का डेटा का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, प्रीवियस ईयर का डेटा ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा और फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। दैट्स इट। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? बताइए।